हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशंस भी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त खुशखबरी के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल करके आ रही है BSSC की तरफ से 10+2 लेवल की वैकेंसी, जो कि वेरियस पोस्ट के लिए रहने वाली है। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 10 सालों से इन पोस्ट की वैकेंसीज नहीं आई है, तो लाखों बच्चे जो है इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। और जिन लोगों को नहीं पता कि BSSC क्या होता है, उनको बता दूं कि BSSC मतलब होता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड, जिसके अंडर आपको LDC, UDC, स्टेनोग्राफर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कराई जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल वे में आपको बताने वाली हूँ कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा, वो ये है कि ये फॉर्म अप्लाई कब से होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अगर आप भी इस फॉर्म का वेट कर रहे थे, मतलब एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो आपको नंबर ऑफ सीट्स आएंगी इन वैकेंसीज के लिए, आपको 12,000+ सीट्स के लिए वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आएगी आपको। और इसके लिए जो एज लिमिट रहेगा फ्रेंड्स, मिनिमम एज 18 इयर्स रहेगा एंड जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज 37 इयर्स रहेगा। वही जनरल कैटेगरी फीमेल्स के लिए आपका 40 इयर्स मैक्सिमम एज रहने वाला है। और यहाँ पे ना एज रिलैक्सेशन दिया जाता है आपको BC और EBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का। सो या अगर आपका भी एज इस लिमिट के अंदर आता है, तो आप इस फॉर्म को ऑब्वियसली अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म की जो फी होने वाली है, जनरल, BC, EBC एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट्स प्लस आपको EWS वालों के लिए यहाँ पे 540 रुपीज चार्ज लिया जाएगा। वहीं अगर आप SC ST हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, या फिर आप फीमेल हो जो कि बिहार डोमिसाइल से बिलोंग करते हो, तो आपसे यहाँ पे बस 135 रुपीज यहाँ पे फॉर्म की फ़ी लगने वाली है। उसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको बता दूं कि अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, आपने साइंस लिया था, आर्ट्स ले रखा था, कॉमर्स है आपका, नो इशू फ्रेंड्स, आप 12th पास आउट हो, आपका कोई भी परसेंटेज है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो ये सब तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। अब बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन कैसे होगा इसमें आपका। तो सिलेक्शन जो है आपका 3 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल रहने वाला है। फर्स्ट आपका प्री एग्जाम होता है, देन आपका मेंस एग्जाम होता है, उसके बाद फ्रेंड्स आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है। तो जो प्री और मेंस होता है ना फ्रेंड्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहता है, बट आपका पेन एंड पेपर बेस्ड OMR सीट पर आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाता है। सो चलो मैं आपको एग्जाम पैटर्न से अवगत करा देती हूँ। तो आपका प्री जो एग्जाम होता है वो 150 क्वेश्चन के लिए होता है आपका 600 मार्क्स का, मतलब पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलेंगे। और एग्जाम की जो टाइमिंग होती है वो आपका 2 hours and 15 minutes का होता है। इसमें आपको 1/4 का आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको प्री के लिए सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। मैथ एंड साइंस के आपको फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, और आपका रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, GK के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, मतलब कि ओवरऑल 150 क्वेश्चन आपका रहेगा 600 मार्क्स के लिए। सो प्री का तो आपने पैटर्न समझ लिया, तो चलो मैं आपको मेंस की एग्जाम पैटर्न को समझा देती हूँ। आपका जो मेंस का एग्जाम होता है ना फ्रेंड्स, वो आपको 2 parts में कंडक्ट कराया जाता है, Part A and Part B। तो आपका Paper 1 में आपका हिंदी लैंग्वेज का 100 क्वेश्चन रहता है 400 मार्क्स के लिए, 2 hours and 15 minutes का आपका पेपर होता है। देन आपका Paper 2 होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल मैथ्स एंड साइंस, रीजनिंग, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं इन तीनों चारों सब्जेक्ट से। उसके बाद ये 150 क्वेश्चन आपका 600 मार्क का रहता है, और ये पेपर आपका 2 hours and 15 minutes का होता है।
देन अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। तो आप जानना चाह रहे होंगे कि ज्वाइन तो मैं करूंगा बस, बट यहाँ पे किस विभाग में मेरी ज्वाइनिंग होगी। तो चलो मैं विभाग भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपका यहाँ पे श्रम संसाधन, खान एवं भूतत्व, मंत्रिमंडल सचिवालय, नगर विकास सह आवास, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, परिवहन, पंचायत सचिव, ये सारे विभाग के अंतर्गत आपकी जो है वैकेंसी रहने वाली है। तो इन सब विभाग में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगा वो भी आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इनिशियली आपको 30,000 प्लस जो है आपका सैलरी रहने वाला है। इसमें आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, एक ऑफिशियल जॉब होती है, अच्छी पोस्ट है फ्रेंड्स। तो इसके लिए अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करो और इस जो अच्छा पैकेज है इसको अचीव कर लो, क्योंकि हर साल एक अच्छा इंक्रीमेंट भी आपको मिलेगा, सारे कुछ आपको अच्छे पर्क्स वगैरह देखने को यहाँ मिल जाएंगे। तो आप बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम ये सब तो मैं समझ गया समझ गई, पर जो फॉर्म है वो कब आउट होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये फॉर्म जो है आपका मतलब सितंबर में आ जाएगा। अगर बाय चांस किसी वजह से डिले हुआ तो आपको सितंबर लास्ट टू अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये फॉर्म 110% गारंटी है कि आप सभी के बीच आ जाएगा। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि फॉर्म कब आएगा, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है तो आपका ये जल्दी ही आ जाएगा। तो अपनी तैयारी तो यार स्ट्रांग कर लो अब, ताकि जब फॉर्म आए तो बस फिल करो, एग्जाम में बैठो और क्रैक कर लो। सो आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आपको बताए हैं बिहार एसएससी 10+2 लेवल की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर इसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में आके आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज को वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज अब आप अगर मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल, सारे कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर लो। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फ्रेंड्स आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।